Welcome to your own channel, Let's Study with Richa. Today we will start the Education in Contemporary India top subject that is very important and is included in all semesters of B.Ed. So I have tried to provide you the complete notes so that you can score good marks in a way. So subscribe na kiya ho to zurur kar lijiyega aur notification bell ko press zurur kar dijiyega tabhi aapko aane wali video ki notification mil payegi aur like aur comment zurur kar diya karo. I hope aapko meri mehnat sab kaam aayegi. So today we'll start education in contemporary India. In this constitution provisions like preamble, fundamental rights and fundamental duties that we will discuss today. Okay, firstly we will start preamble and fundamental right and fundamental duties we will discuss in separate videos because these are also very important, and if I will cover in one video then the duration of the video will be very long. Okay, so I don't want to increase the duration of the video. Okay, so preamble kya hai? देखिए हर कॉन्स्टिट्यूशन का जो वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उनके सबके प्रेम्बल होते हैं, और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा और सबसे रिटन फॉर्म में अवेलेबल है. जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में है और सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा बड़ा है जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है. ओके, सो जो प्रेम्बल है वो एक इंट्रोडक्टरी और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होता है जिसके बिहाफ पे कि हम लिखा जाता है कि क्या फिलोसॉफी रहेगी और किस बिहाफ पे होगा. अ प्रेम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स अ डॉक्यूमेंट्स पर्पस एंड अंडरलाइन फिलोसॉफी. सो प्रेम्बल टू अ कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स आउट द मेन ऑब्जेक्टिव्स विच द लेजिस्लेचर इज इंटेंडेड टू अचीव. कि हमें जो चीज़ें करनी हैं पहले हम उसको चेक करते हैं कि हमें वो रूल्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं करने के लिए या फिर नहीं. सो इट कंटेन्स द फिलोसॉफी ऑन विच अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ट. इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड एवेल्युएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ गुड और बैड. अगर हम कहें कि जी गवर्नमेंट ने गलत किया तो किस बिहाफ पे हम लोग कह रहे हैं, ठीक है, उसको एग्जामिन करने के लिए या इवेल्युएट करने के लिए कुछ रूल्स असाइन किए गए हैं कि गवर्नमेंट ये काम कर सकती है. हो सकता है कि लोगों को ये चीज़ गलत लगती हो बट अकॉर्डिंग टू द रूल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ सही है, ठीक है, तो ये एग्जामिन करने का एक वे प्रोवाइड करती है. द प्रेम्बल ऑल्सो इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स. बहुत सी कंट्रीज हैं, किसी चीज़ से कुछ लिया गया, किसी से कुछ लिया गया, तो सब जहाँ की जो चीज़ अच्छी लगी उसको ले करके हमारे जैसे यूएसए से बहुत से कंपनीज थी जिनसे कुछ चीज़ें ली गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, और एक कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया रिटन फॉर्म में, ठीक है, हमारे बी आर अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. द प्रेम्बल सेट्स आउट द एम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल एंड दीज हैव बीन एम्बॉडीड इन वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. The people will continue to be governed under the constitution so long it is acceptable to them and its provisions promote their aims and aspirations. कि लोगों को भी हम justify government justify कर सकते हैं कि जी हमने काम किया है तो क्यों किया है, ठीक है, क्योंकि लोगों को हर इतने सारे लोग होते हैं, ठीक है, सबका thinking process different होता है, कोई चीज़ को समझता है कोई नहीं समझता, हर कोई अपनी thought के accordingly चीज़ों को evaluate करता है examine करता है. That is not possible कि सबकी thought purpose एक होगा, ठीक है, तो इसलिए कुछ rules बनाए गए थे कि right और रॉन्ग गुड और बैड को इवेल्युएट कैसे किया जाएगा. ओके, सो द प्रेम्बल रीड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सॉलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन. दिस द वी द पीपल ऑफ इंडिया ये जो है ना ये सबसे पहले इंक्लूड किया गया था कि हम सब एक हैं. ये एक यूनिटी को बताता है कि हम डिफरेंट रिलीजन्स को मानते हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं हमारे, बट फिर भी हम लोग एक हैं, इंडियन हैं, ठीक है. जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन बिलीव फेथ एंड वर्शिप सबको आज़ादी है, अपने सोच के अकॉर्डिंग वो चल सकते हैं, अपने सोच के अकॉर्डिंग अपना काम कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पेरेंटल काम चलता आ रहा है कि किसी की शॉप थी क्लोथ्स की तो वो कुछ और काम नहीं कर सकते, इवन दे कैन डू एनी वर्क इफ दे वॉन्ट. ओके, सो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल वेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. सो इन अवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 टू डू हेयर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू अवर सेल्व दिस कॉन्स्टिट्यूशन. ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें किसी ने प्रोवाइड नहीं किया था बिकॉज हमने ये खुद बनाया था, तो ये हमने खुद को ही, ठीक है, हमने अपने खुद को ही दिया था, अपने आप को दिया था. ओके, एंड नेक्स्ट इज प्रेम्बल इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स. देखिए ये चीज़ हमारे मन में आती है और आनी भी चाहिए कि अगर इसमें इवेल्युएट करने का सारे रूल्स दिए गए हैं या हम किस तरह से लॉ चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा हुआ है, तो वो फोर्सेबल है, इन्फोर्सेबल है कि कोर्ट हमें कहती है वो चीज़ हमें करनी ही करनी है. सो द प्रेम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, ठीक है.
प्रेम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बट फिर भी कोर्ट हमें फोर्सली फॉलो करने के लिए नहीं बोल सकती। प्रेम्बल इज नॉन जस्टिफाइबल। दिस मीन्स दैट कोर्ट्स कैन नॉट पास ऑर्डर्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द आइडियाज इन प्रेम्बल। द कोर्ट्स कैन टेक रिसोर्स टू द प्रेम्बल इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन एंड क्लैरिफाई अदर प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस व्यू वॉज गिवन बाई द सुप्रीम कोर्ट इन बेरोबारी केस, यूनियन केस 1960 एंड केसवानंद भारती केस 1973। ये दो केसेज ऐसे हुए थे। अब ये क्या थे इसके एक्सप्लेनेशन हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज वो यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है और ना ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। ठीक है, तो ये दो केस हुए थे जिसके बाद में अमेंडमेंट्स को अलाउ किया गया कि ऐसा नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया है उसमें कोई चेंज आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, बट एक वैलिड वे होना चाहिए, वैलिड प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, तभी। तो उसके बाद में 42nd अमेंडमेंट हुई थी। हाँ, अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रेम्बल यही था कि अमेंडेबिलिटीज कैसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दो केसेस हुए थे जो मैंने अभी आपको पीछे बताए हैं, उन केसेस के बाद में ही उनको अलाउ किया गया कि आप कभी भी अगर ज़रूरत लगती है तो एक डिबेट होती है लोकसभा में, राज्यसभा में जो भी प्रोसेस होता है उसके बाद कुछ प्रूफ्स रखे जाते हैं, वोटिंग होती है और फिर उन लोगों को पास किया जाता है, अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इनफैक्ट अमेंडेड द प्रेम्बल एंड एडिड 3 न्यू वर्ड्स विद सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड इंटीग्रिटी। दीज वर नॉट इन दीज फॉर्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रेम्बल फर्स्टली, सो दे वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। सो द फाइनल पैराग्राफ ऑफ द प्रेम्बल पुट्स ऑन रिकॉर्ड द एग्जैक्ट डेट व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड। In short, it is a mirror of the Indian Constitution. So now we will understand the preamble. We the people of India, it means the Constitution has been drawn up and enacted by the people through their representatives and not handed down to them by a king or any outside powers. जैसे उसके पहले राजा होते थे, राज्य करते थे, तो हमें किसी राजा ने नहीं प्रोवाइड किया कि किसी राजा का अंतिम टाइम था तो उसका राज्य खत्म हो रहा था तो उसने हमें प्रोवाइड कर दिया, ऐसा नहीं था। हमने डिफरेंट कंट्रीज से जहाँ से हमें जो चीज़ अच्छी लगी, सही लगी, वो चीज़ें हमने ली और हमारा एक पर्टिकुलर एक रिटर्न फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। बी आर अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। Sovereign people have supreme right to make decisions on internal as well as external matters. No external power can dictate the government of India. हर बंदे को अपना अधिकार है कि उसे कोई डिसीजन लेना है तो वो ले सकता है। Socialist wealth is generated socially and should be shared equally to the society. The government tries to reduce the inequalities. धर्म के भाव पे, religion जिसे हम कह सकते हैं, religion की form में, caste, color, creed, किसी भी form में inequality के करके उनको पैसे के लिए कैसे किसी भी तरह से उनमें इनक्वालिटीज़ नहीं की जा सकती। ठीक है, सोशली रोटेट पैसा होता है वो समाज में ही होता है। ठीक है, सेकुलर द पीपल हैव द फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। इन इंडिया देर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, गवर्नमेंट ट्रीटिंग ऑल द रिलीजन्स इक्वली। अगर हम कहें कि इंडिया का रिलीजन कौन सा है तो ऐसा कोई भी रिलीजन नहीं है। ठीक है, सेकुलर कंट्री है। Democratic form of government enjoy the equal politics, political rights, elected their leaders and hold them accountability. जैसे elections होते हैं तो पार्टी बनाने के लिए rules होते हैं, कोई भी person अपनी पार्टी बना सकता है और election में खड़ा हो सकता है। बकायदा कि कुछ rules होते हैं कि इतने members होने चाहिए, तो जो भी age criteria होता है उसके accordingly आप अपनी पार्टी बनाकर election को लड़ सकते हो। ठीक है, तो democracy है इंडिया में। नेक्स्ट इज रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटेरी पोजिशन। ऐसा नहीं है जी कि कोई एक बंदा बैठा है तो उसका बेटा आगे बैठेगा ही बैठेगा, जी नहीं, इलेक्शंस होते हैं, बाकायदा उनको काम करना पड़ता है, पेपर वोटिंग दे के आती है और उसके बाद में ही उनकी चयन होता है। ठीक है, फिर इलेक्शन कमेटी बैठती है, सारा एक प्रोसेस में काम होता है। जस्टिस पीपल कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, किसी भी बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं किया जाता। जस्टिस किया जाता है प्रूफ्स के बिहाव पे कि आपके पास आप सही हो, प्रूफ दो और अपना जस्टिस ले लो। ठीक है, सो गवर्नमेंट शुड वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट इज लिबर्टी, नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन्स इज व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट इन एक्शंस। किसी को भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो उनको यही काम करना है, उनको यही सोचना है या उनको वही रहना है, उनको पूरी तरह से छूट दी जाती है। इक्वालिटी, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द ऑल। फ्रेटर्निटी, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इनफीरियर। कि अगर हम कोई भी एग्जाम्पल ले लें कि हमारे घर में कोई काम करने वाली आंटी आते हैं तो हम उनको
किसी भी तरह से मिसबिहेव नहीं करेंगी। वो एक काम कर रही हैं और पैसे ले रही हैं, ठीक है। आप भी कहीं पे काम करते हो तो आप पैसे लेते हो, तो सभी इक्वल है। काम छोटा बड़ा या किसी भी ओहदे में आप डिफरेंस डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेम्बल। प्रेम्बल इंपॉर्टेंट क्यों है? द प्रेम्बल इज लाइक एन इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ अ बुक। स्टार्टिंग पेज होता है ना इंट्रोडक्शन का, वो चीज़ हमारा प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो एज एन इंट्रोडक्शन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कंटेंट्स बट इट एक्सप्लेन्स अ पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव विद द विच द डॉक्यूमेंट्स हैज़ बीन रिटन। कि ये एक आपको कंटेंट नहीं बताता कि इस पेज पे जाओगे जी आपको ये मिल जाएगा, जैसे कि इंडेक्स इंट्रोडक्शन हमारा होता है या प्रीफेस होता है, बट ये एक हमारे ऑब्जेक्टिव्स को बताता है कि हमने कोई चीज़ को अचीव करना है तो उसका वे क्या होगा, ठीक है। सो एज सच द प्रेम्बल प्रोवाइड्स अ गाइडलाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रेम्बल इन ब्रीफ एक्सप्लेन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन टू वेज। दीज आर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नस एंड अबाउट द आइडल्स टू बी अचीव्ड, ठीक है। सो द प्रेम्बल इज कंसिडर्ड द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस वॉज माई सेशन, आई होप यू लाइक्ड इट। सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर करके जाना एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।